हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फेस्टिव की सीज़न चल रहा है और गणपति बप्पा आने में बस 2 दिन ही बाकी है, तो मैंने सोचा आज कुछ ऐसा बनाते हैं जहाँ पे गणपति जी भी रहेंगे और साथ ही साथ मैं लिविंग रूम का एक वॉल भी डेकोरेशन कर पाऊँगी। ब्रास मेटल की बने हुए जो मूर्तियाँ मिलती है या फिर जो प्रभावली मिलते हैं वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं, फिर भी आजकल ये बहुत ट्रेंड में है। इसीलिए मैंने सोचा कि आज एक वॉल डेकोर बनाते हैं जहाँ पे मैं ब्रश लुक क्रिएट करने वाली हूँ, वो भी पुराने कपड़े और मोल्डेड क्ले की मदद से। पहले तो मैं यहाँ पे एक बेस बना रही हूँ जिससे मैं फ़ोटो फ्रेम की तरह यूज़ कर सकूँगी। तो ये दरअसल मुझे जो पार्सल का कार्टून आता है उसी का पीसेस है। इसको आपस में फेविकॉल की मदद से अच्छी तरीके से चिपका कर बना रही हूँ। ऐसा मैं 3 पीसेस बनाऊँगी और ये कुछ पेपर के पीसेस मैंने यूज़ की हैं ताकि फ्रेम को और भी मैं हार्ड बना सकूँ। तो इसको चारों साइड मैं अच्छी तरीके से पेपर से कवर कर लूँगी। अब मेरे पास कुछ ऐसा कपड़े का पीसेस है जो एकदम नया है, एक कॉटन है और थोड़ा सा नेट टाइप्स का है, तो दोनों ही पिंक है, तो इसलिए मैं बेस को पिंक बना रही हूँ। तो पिंक कॉटन कपड़ों को अच्छी तरीके से कार्डबोर्ड के ऊपर चिपका कर उसके ऊपर वापस मैं वो जो नेट का क्लॉथ है वो सेट कर रही हूँ। तो मेरा फ्रेम बस रेडी है। अब मैं फेविक्रिल का मोल्डेड की मदद से पूरा गणपति जी को बनाऊंगी और 2 पीसेस प्रभावली बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पास 3 फ्रेम है तो 3 फ्रेम के मैं कुछ इस तरह यूज़ करने वाली हूँ। मोल्डेड क्ले को कैसे मिक्स करना है और कैसे यूज़ करना है ये तो शायद सभी को अभी पता है, फिर भी जिन लोगों को पता नहीं है और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वो लोग मेरा जो पुराने वीडियो है वो भी देख सकते हैं। अच्छा, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक कैलेंडर के शीट में रफली गणेश जी का एक स्केच बनाकर रखी हूँ और उसी के ऊपर क्ले को ऐसे पेंट करते हुए आपस में चिपका दे रही हूँ। क्ले को अच्छी तरीके से बेंट करने के लिए या ऐसा रोल करने के लिए, ये जो आप वुडन कोस्टर देख रहे हैं एक्चुअली क्या बोलते हैं उसको, जो रोटी बेलनी आता है ना वही है। तो ये एक छोटा सा वुडन कोस्टर विथ रोल पिन मैं ख़रीदी थी एक फेयर से, ओनली 30 रुपीज़ में मुझे ये मिल गया था। तो आप इसके बदले में कोई भी इवन सरफेस यूज़ कर सकते हैं। मैं तो मेरा प्रीवियस वीडियोस में एक नॉर्मल सी बोर्ड भी यूज़ करती थी, अभी भी है। मैं बीच बीच में अगर मुझे मतलब मेरा जो काम है क्ले का काम अगर ज़्यादा है तो इस उस वक्त में मैं वो बोर्ड यूज़ करती हूँ। तो आप लोग चाहे तो कोई ऐसा इवन और बड़ा सा सरफेस यूज़ कर सकते हैं। ऐसा क्ले यूज़ करने के वक्त पे सिर्फ ध्यान रखिए जितना आपका काम है उतना ही आप क्ले लीजिए, पूरा क्ले को एक साथ में मत मिक्स करके रखिए, क्योंकि अगर आप एक साथ में पूरा क्ले को मिक्स करके रखते हैं तो वो धीरे धीरे हार्ड होता जाता है। मतलब जब तक आप कुछ बनाएंगे नहीं तो वो आधा घंटा एक घंटा बाद पूरा हार्ड हो जाएगा, तो आप उसको उसी क्ले से रिक्रिएट कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने क्या किया कि मुझे मेरा हाथ में थोड़ा थोड़ा क्ले मैं लेते लेते ऐसा छोटा छोटा पीस बनाते बनाते मतलब आपस में जोड़ जोड़ के मैं ये पूरा मूर्ति बनाना कंप्लीट की हूँ। गणेश जी का फुल बॉडी में से जो छोटा छोटा पार्ट है जैसे कि उनका कपड़ा, ये जो बीना, इसमें छोटा छोटा जो पार्ट है इसमें डिटेलिंग देने के लिए मैंने यहाँ पे कटर यूज़ किया या फिर कभी कभी मैंने जो क्ले का टूल आता है वो भी यूज़ किया। अगर आपके पास ऐसा क्ले टूल ना हो तो आप कटर की मदद से भी इसको हाईलाइट कर सकते हैं जगह जगह पे यूज़ करके, या फिर आप पिन यूज़ कर सकते हैं, मतलब कोई भी नुकीली चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं डिज़ाइंस को बनाने के लिए। टूथपिक यूज़ कर सकते हैं, पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, पेन यूज़ कर सकते हैं, ऐसा बहुत कुछ आप धीरे धीरे यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे और एक बात बताना चाहूँगी, मैं पेपर के ऊपर डायरेक्टली क्ले को चिपका रही हूँ क्योंकि क्ले तब तक सॉफ्ट था, तो मैं जब पेपर के ऊपर बिठा रही थी तो मुझे गम की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप चाहो तो फेविकॉल का एक पतला सा लेयर यूज़ करके उसके ऊपर क्ले को सेट कर सकते हैं।
अच्छा यहाँ पे मेरा एक छोटा सा गलती हुआ था, छोटा सा नहीं बड़ा ही मैं बोलूँगी, जिसके वजह से ये वीडियो थोड़ा सा डल आ गया। एक्चुअली मैं जिस मोबाइल पे रिकॉर्ड करती हूँ उसी मोबाइल पे से ही वीडियो को पूरा रेडी करके यूट्यूब में या फिर अदर्स चैनल में पोस्ट करती हूँ। तो वीडियो करते वक्त मैंने ध्यान नहीं था, मैं बस अपना काम पर ही मगन थी। वो क्या हुआ था ना कि बैक साइड का जब भी फ़ोन लॉक हो जा रहा था, मैं लॉक को खोल रही थी फिंगरप्रिंट से, तो मेरा फिंगर में तो ऑलरेडी क्ले लगा हुआ था, तो वो ही ना वो कैमरा का स्क्रीन में आ गया, मतलब जहाँ पे फोकस होता है वहाँ पे मेरा फिंगर लग गया था। तो इसके वजह से थोड़ा वीडियो हेजी हो गया ये थोड़ा कुछ पार्ट्स। तो आप लोग बस थोड़ा सा दिखने में शायद आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी मैं कोशिश करूँगी मेरा जो इसके बाद का जो थोड़ा थोड़ा पार्ट है आप देखिएगा वो विजिबल होगा, क्योंकि वीडियो तो मैंने एक दिन में कम्प्लीट नहीं की थी। तो अगले दिन मेरा मैंने देखा कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम था, तो मैंने फ़ोन का पीछे साफ करके वापस वीडियो करना शुरू कर दिया था। गणेश जी के सराउंडिंग भी मैंने एक पेंसिल स्केच कर ली है प्रभा वाली का, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं क्ले को फेविकॉल की मदद से यहाँ पे धीरे धीरे चिपका दे रही हूँ और कटर की मदद से मैं शेप भी क्रिएट कर रही हूँ। प्रभा वाली के इस साइड में एक ऐसा कार्विंग पार्ट बिठाने के बाद मुझे ध्यान में आया कि आप लोग शायद पूछेंगे इसको मैंने कैसे बनाया। तो सेकेंड जो मैं लेयर बनाने वाली हूँ उसी को मैंने ऐसे क्रिएट किया, इसके लिए उसको भी वापस मैंने रिकॉर्ड किया आप लोगों को दिखाने के लिए। ऐसे क्ले को हाथ में लेकर ऊपर में धीरे धीरे दोनों उंगली से डैब करेंगे ताकि ये थोड़ा सा पतला हो जाए, और उसके बाद मैं यहाँ पर फेविकॉल से चिपका दूँगी ताकि ये पूरा डिज़ाइन ऐसे सेट हो जाए। अभी दूसरा एक कैलेंडर की शीट में भी मैं कुछ इस तरह पेंसिल स्केच करके रखी थी, तो उसी के ऊपर फेविकॉल से मैं डिज़ाइन को बना रही हूँ प्रभा वाली का दूसरा जो पार्ट है। ऐसा सेम टू सेम और एक भी पार्ट मैं बनाऊँगी, तो बस आप लोग देखते जाइए। अभी ये काम हो जाने के बाद मैं ब्लैक एक्रिलिक कलर यूज़ करूँगी और गणपति जी का पूरा मूर्ति में और जो प्रभावली मैंने बनाया है उनमें पूरा ब्लैक कलर से भर दूँगी। और उसके बाद यहाँ पे दो कलर मैं यूज़ करने वाली हूँ, एक है गोल्डन और एक है ब्रोंज। ब्लैक कलर पूरा अच्छे तरीके से सूख जाने के बाद एक फ्लैट ब्रश की मदद से मैं यहाँ पे पहले गोल्डन कलर बना दूँगी, उसके बाद गोल्डन सूख जाने के कुछ देर में ब्रोंज कलर यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैं कुछ और भी डिटेलिंग ऐड करने वाली हूँ, जैसे गणेश जी को तिलक पहनाना और जो आईज़ का जो आई बॉल है ये, और उनका जो कान है वहाँ पे एक ओम, कुछ इस तरीके से मैंने रेड एक्रेलिक कलर से पेंट कर दिया है। अब पूरा कलर अच्छी तरीके से सूख जाने के बाद मैंने बहुत ही हल्के हाथों से पेपर के ऊपर से गणेश जी का मूर्ति और ये जो प्रभा वाली मैंने बनाया था उसको रिमूव कर लिया है। तो मेरे पास ये फेविक्विक था, तो फेविक्विक की मदद से मैं फ्रेम के ऊपर ये जो मतलब गणेश जी का मूर्ति और पंगवली बनाया उसको मैं सेट कर लूँगी। अगर आपके पास हीटेक्स या फिर ग्लोगन है तो आप लोग ग्लोगन भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हीटेक्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने ना यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती भी कर दी थी, पूरा काम करने के बाद मुझे याद आया कि मैंने तो मूषिक जी को ही बनाया नहीं, तो गणपति जी तो मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे। तो एंड ऑफ द टाइम मैंने एक छोटू सा नन्हा सा गणपति जी का वाहन को बना लिया, छोटे सा मूषिक जी को बना लिया और उसको भी कलर करके मूषिक जी को बिठा दिया गणपति जी के पैरों के नीचे। तो ये रहा आज का वीडियो का फाइनल लुक।
ये आइडिया आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग पहली बार मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं और मेरे चैनल पर नए हैं, वो लोग अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि आगे जाकर भी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं ऐसा ही क्राफ्ट्स और पेंटिंग से रिलेटेड अपलोड करने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले संडे। बाय बाय, टेक केयर।